दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो और नए लैपटॉप के साथ। आज हम लेके आए हैं विक्टस के दो न्यूली लॉन्च लैपटॉप। जी हाँ, एचपी ने एनवीडिया ग्राफिक कार्ड 4050 के साथ अपनी नई सीरीज लॉन्च करी है विक्टस में। अभी तक अगर हम देखें तो एनवीडिया ग्राफिक्स के साथ 4050 में लैपटॉप 150,000 के अबव ही अवेलेबल थे मार्केट में, लेकिन एचपी ने नई धमाकेदार सीरीज लॉन्च करके तहलका मचा दिया है मार्केट में। इन्होंने लॉन्च करा है एनवीडिया 6GB ग्राफिक कार्ड 4050 अपनी 1 लाख के प्राइस टैग में। तो आज हम अनबॉक्स करते हैं दोनों मॉडल्स नहीं, हम एक मॉडल को अनबॉक्स करेंगे, लेकिन दोनों मॉडल्स आज हम लेके आए हैं। दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक प्रोसेसर के अलावा, एक प्रोसेसर i5 है, एक i7 के साथ। मैं आपको दिखाता हूं, ये एक विक्टस मॉडल, एक ये है और एक ये। एक है FA1060TX और दूसरा मॉडल है FA1064TX। 1060TX जो है वो i5 13 जनरेशन के साथ है और 1064TX i7 13 जनरेशन के साथ। इन दोनों में सारी स्पेसिफिकेशन सेम है, सिर्फ प्रोसेसर अलग है। तो हम एक लैपटॉप को अनबॉक्स करेंगे आज, उसकी स्पेसिफिकेशन देखेंगे और कहीं मत जाइएगा, लैपटॉप का बैक पैनल भी ओपन करके आपको दिखाएंगे। एक मॉडल हम ओपन कर रहे हैं 1064TX जो i7 है, आज हम उसको अनबॉक्स करते हैं। आपको i5 की भी सारी स्पेक्स आपको पता चल जाएगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लैपटॉप अनबॉक्स करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह कह दूं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, आगे भी नए नए लैपटॉप्स की जो हम वीडियो आपके पास लेके आते रहेंगे और आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, करते हैं लैपटॉप को अनबॉक्स। तो लैपटॉप हमने ओपन कर दिया है, एज यूजुअल हर बार की तरह एक यूजर मैनुअल है जो इसमें मिलता है, एक प्रीमियम पावर कोड और एक पावर एडेप्टर। पावर एडेप्टर जरूर डिफरेंट है क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है, विक्टस है। 200 वाट का पावर एडेप्टर आपको एचपी इसमें दे रहा है। ये देखिए, ये है लैपटॉप, इसको ओपन करते हैं। परफॉर्मेंस ब्लू इसका कलर है जो एचपी ने दिया है। मैं आपको बता दूं, दोनों मॉडल्स के अंदर जो कलर है वो बिल्कुल सेम है। अगर आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है तो मैं आपको बता देता हूं, शायद आपको दिखाई ना दे एग्जैक्टली, ये परफॉर्मेंस ब्लू कलर है। अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, पहले तो बता दूं 15.6 इंचेस के अंदर लैपटॉप है। बिल्ड क्वालिटी जो है ये बहुत ही परफेक्ट है। देखिए, जब 16 या 17 इंची में लैपटॉप जाता है तो उसके अंदर जब आप बिल्ड क्वालिटी चेक कर रहे होते हैं, प्रेस कर रहे होते हैं, तो आपको फील होता है कि वो प्रेस हो रहा है, वो लैपटॉप बड़ा होता है। ये 15.6 इंचेस के अंदर है। इसकी बिल्ड क्वालिटी अगर आप देखेंगे, बैक साइड इसकी देखेंगे तो बहुत बड़ा वेंट एचपी ने इसमें दे रखा है, अच्छी रबड़ की स्पेस दे रखा है इसमें। अगर लैपटॉप आप रखेंगे तो थोड़ा सा एयर में रहेगा जिससे कूलिंग रहेगी और हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो दोस्तों लैपटॉप को ओपन करके देखते हैं। पहले तो एक हाथ से ओपन होता ही नहीं होता, एक हाथ से लैपटॉप इजीली ओपन हो गया। ये अगर मैं कलर की और इसकी लुक की बात करूंगा तो बहुत ही बेटर लैपटॉप है जो मैं देख पा रहा हूं। आप अगर इसको देखेंगे तो आपको फील आएगी एक नॉर्मल लैपटॉप की, अदरवाइज एक गेमिंग लैपटॉप। अगर हम इसकी वॉबलिंग की बात करेंगे तो आपने देखा, हमने इसे जहां छोड़ा ये वहीं पे रह गया, ऐसे वॉबलिंग इसमें बिल्कुल भी नहीं है इस लैपटॉप के अंदर। चलिए दोस्तों इसको बूट अप करते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, फिर इसका बैक पैनल ओपन करके इसके पार्ट्स भी देखेंगे, कहां कहां क्या क्या लगा हुआ, क्या क्या लैपटॉप अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो जो सबसे पहला पोर्ट आपको मिलता है वो है HDMI 2.1 आपके प्रोजेक्टर या LED TV कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आपको जो दिखाई दे रहा है वो है USB टाइप ए, आप इससे कोई भी प्रिंटर या कीबोर्ड माउस अटैच करने के लिए। एक आपको मिलता है RJ45 कनेक्टर 10x100x1000 GB LAN। अगर आपने फास्ट गेमिंग खेलनी है जिसके अंदर इंटरनेट फास्ट चाहिए होता है, वो आप नेट की केबल लगा के आप इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट पोर्ट आपको दिखाई देगा Type-C थंडरबोल्ट पोर्ट है ये, आप इससे 40 GB का भी डाटा ट्रांसफर इजिली कर सकते हैं। अगर हम लैपटॉप के राइट साइड में देखेंगे तो आपको जो पोर्ट्स दिखाई देंगे वो सबसे पहला पोर्ट दिखाई देगा आपको चार्जिंग का, उसके साथ आपको दिखाई देता है एक USB टाइप ए, और नेक्स्ट पोर्ट जो आपको दिखाई दे रहा है वो है 3.5 mm का हेडफोन और माइक्रोफोन जैक, हम जिसको कहते हैं, आप दोनों ही इसमें लगा सकते हैं। आप स्पीकर भी लगाना चाहें तो वो भी
लग जाएगा। एक आपको दिखाई देता है एसडी कार्ड स्लॉट। तो चलिए दोस्तों देखते हैं लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन, एचपी ने अपने लैपटॉप में क्या क्या दिया है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर है हमारा 13th generation i7-13700H। i7 13 जनरेशन प्रोसेसर है। अगर हम इसकी बेस स्पीड की बात करेंगे तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ इसकी बेस स्पीड है, लेकिन टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है तो ये टर्बो बूस्ट होके आपका 5 गीगाहर्ट्ज़ तक जाता है। अगर हम बात करेंगे इसके लॉजिकल प्रोसेसर की, पहले हम फिजिकल कोर की बात करते हैं, 14 कोर का प्रोसेसर है। मैं आपको इसमें यह भी बता देता हूं 14 कोर में से सिर्फ जो 6 कोर है वो परफॉर्मेंस कोर है और बाकी 8 कोर है वो एफिशिएंट कोर है। अगर मैं इनकी क्लॉक स्पीड की भी बात करूं तो जो परफॉर्मेंस कोर है उनकी जो क्लॉक स्पीड है वो 5 गीगाहर्ट्ज़ तक है, लेकिन जो एफिशिएंट कोर है वो है 3.7 गीगाहर्ट्ज़ तक। तो 8 जो आपके कोर्स हैं वो 3.7 गीगाहर्ट्ज़ तक ही बूस्ट अप होंगे। अगर लॉजिकल प्रोसेसर की बात करेंगे तो वो है 20 और L3 कैशे की बात करेंगे तो वो 24 MB है। अब आ जाते हैं मेमोरी पे, मेमोरी देखते हैं 16 GB की इसमें रैम लगी हुई है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 3200 MHz की। देखिए यहाँ पे मैं अभी तक लैपटॉप जितने भी अनबॉक्स कर रहा हूँ और जितने भी देख रहा हूँ, अधिकतर कंपनीज ने यहाँ पे थोड़ा सा कमी छोड़ रखी है अपने लैपटॉप्स के अंदर। i7 13th generation 4050 ग्राफिक्स कार्ड के साथ है, एटलीस्ट लैपटॉप में DDR5 रैम होनी चाहिए थी, इसमें अभी भी DDR4 रैम है 3200 MHz की। यहाँ पे इस लैपटॉप के अंदर मैंने जितना इसमें अभी तक देखा उसमें सिर्फ एक यही मुझे कमी दिखाई दी, अगर HP इसके अंदर DDR5 रैम दे देता तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेटर हो जाती। अगर हम डिस्क की बात करते हैं तो डिस्क इसमें 512 GB की क्योसिया की दी है। देखिए यहाँ पे भी अगर मैं कहूँ 1 TB होती तो बहुत ज्यादा बेटर होता, थोड़ा सा प्राइस कैप आता, लेकिन आज की डेट में गेमर्स को भी 1 TB SSD की जरूरत पड़ जाती है, जिसमें आपको कैपेसिटी 477 GB की मिलती है। बात करेंगे ग्राफिक्स की, देखिए ग्राफिक्स इसमें आपको यहाँ पे इंटेल आइरिस एक्सी ग्राफिक्स दिखा रहा है जो इंटेल में इनबिल्ट होता है, लेकिन जो इसके अंदर मेन ग्राफिक्स है वो यहाँ पे आप देखिए एनवीडिया जीफोर्स RTX 4050। जी हाँ, 6 GB का ग्राफिक्स आपको इसमें HP ने दिया है जो डेडिकेटेड ग्राफिक्स। देखिए अगर मैं बात करूं 4050 की ग्राफिक्स की तो हमारे दिमाग में जो भी प्राइस बैंड आता था वो 1,50,000 के अबव आता था। अगर ये ग्राफिक की बात करें तो बहुत अच्छे प्राइस में दिया है, प्राइस की बात हम लास्ट में करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखते हैं शेयर्ड ग्राफिक्स, वो आपका 7.8 GB है, तो टोटल GPU आपको मिलता है 13.8 GB का। तो दोस्तों अभी तक जो आप वॉइस सुन रहे थे इस स्पेसिफिकेशन के टाइम में, कॉन्फ़िगरेशन के टाइम में, मैं आपको बता दूं वो वॉइस हमने इसी लैपटॉप के माइक से रिकॉर्ड करी है। इसका माइक टेस्ट करने के लिए हमने इसी माइक से ये कॉन्फ़िगरेशन की स्पेशली सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन जो अभी हम पढ़ रहे थे वो इसी लैपटॉप से रिकॉर्डेड है, तो आप इसकी माइक की क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं। अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करते हैं तो 15.6 inches का फुल HD डिस्प्ले HP ने इसमें दिया है, 144 Hz का रिफ्रेश रेट है, IPS डिस्प्ले है माइक्रो एज के साथ और एंटी ग्लेयर डिस्प्ले आपको इसमें मिलता है। ब्राइटनेस की बात करेंगे 250 nits और 141 PPI आपको इसमें मिलेगा। कलर गोमिट 45% NTSC और अगर हम स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करेंगे तो 1920x1080 का स्क्रीन रेजोल्यूशन आपको इसमें मिलता है। अगर हम रिस्पॉन्स टाइम देखते हैं तो 9 ms का रिस्पॉन्स टाइम आपको HP ने इसके डिस्प्ले में दिया है। हम बात करते हैं वेबकैम की, वेबकैम आपको इसमें मिलता है HP वाइड विजन 720p HD कैमरा विद टेंपल नॉइस रिडक्शन के साथ और इंटीग्रेटेड ड्यूअल एरे डिजिटल माइक्रोफोन्स आपको इसमें HP देता है। तो दोस्तों वक्त आ गया है लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करने का, तो चलिए करते हैं बैक पैनल को ओपन। तो दोस्तों लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है, इसका बैक पैनल ओपन हो गया है, देखते हैं इसके पार्ट। तो दोस्तों आप यहाँ जो ब्लू कलर में देख रहे हैं वो है इसका मदरबोर्ड, राइट। यहाँ पे इसके प्रोसेसर और ग्राफिक्स 4050 मिल जाता है इन दोनों के नीचे, ये दोनों हीट सिंक से कवर्ड हैं। नॉर्मली क्या होता था, पहले जो फैन होते थे वो प्रोसेसर और ग्राफिक्स के ऊपर होते थे, लेकिन उसकी वजह से लैपटॉप की थिकनेस ज्यादा हो जाती थी, इसलिए अब जहां मदरबोर्ड खत्म हुआ है वहां पे कंपनी ने फैन लगा रखे हैं और वो हीट सिंक के थ्रू अटैच होते हैं।
तो यहां पे ये फैन हो गया। यहां पे 8-8 GB की दो रैम आपको दिखाई दे रही है, आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं, 64 GB तक ये लैपटॉप जाता है, आप 32-32 GB की दो रैम इस लैपटॉप में लगा सकते हैं। अगर हम बात करेंगे SSD की, ये 512 GB की एक SSD आप इसमें देख रहे हैं, आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसको रिमूव करके ही आप अपग्रेड कर पाएंगे, कोई दूसरा स्लॉट आपका इसमें नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, स्पेस जरूर आपको देख सकते हैं, लेकिन उसमें स्लॉट नहीं है, आप अपग्रेड नहीं कर सकते। अगर हम बात करेंगे वाईफाई की, ये हमारा वाईफाई जो वाईफाई 6EAX आपको मिलता है और ब्लूटूथ 5.3 इस लैपटॉप में आपको मिल जाता है, वो यहां लगा हुआ है। अगर हम ये बात करेंगे, देखिए पूरी बैटरी है, 4 सेल की बैटरी है, 70 वाट आवर्स की बैटरी आपको मिलती है। स्पीकर देखेंगे, यहां पे दो स्पीकर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने अनबॉक्स किया न्यू HP वेक्टस FA1064TX। मैंने जैसा कि वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि HP ने दो मॉडल लॉन्च करे हैं, FA1060TX और FA1064TX। दोनों में सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर का डिफरेंस है। अगर हम FA1060TX की बात करेंगे तो उसमें कोर i5 13 जनरेशन का प्रोसेसर आपको मिलता है। अगर मैं बात करूं इसके यूसेज की, ग्राफिक्स 4050 RTX आपको इसमें मिलता है। तो ये लैपटॉप जिनको भी 3D मैक्स पे, ऑटो कैड पे या 4K एडिटिंग करनी है या हायर गेमिंग्स करनी है, अभी तक जो भी गेम्स अवेलेबल है वो सब गेम्स आप इस पे प्ले कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में मोस्टली गेम्स RTX 3050 पे प्ले हो जाती हैं, लेकिन ये वाला लैपटॉप आपको RTX 4050 देता है। वॉबलिंग हमने देखी, वॉबलिंग इश्यू इसमें नहीं है। बिल्ड क्वालिटी देखी हमने, बिल्ड क्वालिटी काफी हाई है। RJ45 कनेक्टर भी आपको इसमें मिल जाता है, कि नॉर्मली सभी गेमिंग लैपटॉप्स में आता है, जो आजकल अगर हम पवेलियन या नॉर्मल लैपटॉप जो आते हैं उनके अंदर आपको देखने को नहीं मिलता। अगर मैं आपको ये कहूँ, ये एक लैपटॉप वो है जो आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। लैपटॉप के साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज SL ओरिजिनल मिलता है लाइफ टाइम के लिए, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 होम एंड स्टूडेंट एडिशन भी आपको मिलता है लाइफ टाइम के लिए। अगर मैं इस लैपटॉप में कमी की बात करूं कि इसमें कमी क्या रह गई है, अगर वो कमी भी पूरी हो जाती तो शायद ये लैपटॉप बिल्कुल परफेक्ट होता। देखिए, जैसा कि हमने देखा, अगर इसका sRGB 45% है, 100% नहीं है, इसलिए जिनको भी कलर का काम करना है, कलर से रिलेटेड, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, अदरवाइज वर्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम कैमरे की बात करें तो कैमरा इसका वही नॉर्मल कैमरा है। HP इसमें 5 MP का कैमरा दे सकता था, लेकिन यहाँ पे कैमरे के अंदर थोड़ा सा ये लैपटॉप नीचे रह जाता है। एक इसमें मेरे को लगता है रैम DDR5 होनी चाहिए थी, i7 में 13 जनरेशन है और RTX 4050 ग्राफिक्स के साथ, तो रैम भी DDR5 अगर मिलती तो बहुत ही बेटर रहता। फिर मैं ये कहता कि इस लैपटॉप के कंपेयर में कोई भी आपको लैपटॉप मार्केट में नहीं मिल सकता इस प्राइस रेंज में। अगर इन सब एड को एड करने के बाद थोड़ा सा प्राइस अपग्रेड भी हो जाता तो भी आपको इस लैपटॉप का मार्केट में कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं मिलता। अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो FA1060TX जो कोर i5 13 जनरेशन के साथ आता है, वो आपको मार्केट में 1,00,000 से 1,05,000 के बीच में मिल जाएगा, और FA1064TX जो i7 13 जनरेशन के साथ आता है, जो आज हमने ओपन किया है, ये मार्केट के अंदर आपको 1,10,000 से 1,15,000 के आसपास मिल जाएगा। HP इसके साथ आपको 1 साल की वारंटी देता है, आप वारंटी को अपग्रेड कर सकते हैं। जब आप HP वर्ल्ड पे जाएंगे लैपटॉप को लेने, तो आप उनसे जरूर पूछिएगा कि वारंटी एक्सटेंड करने की क्या ऑफर चल रही है। आप एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा आपको यही बताता हूं, आज भी यही बताऊंगा, क्योंकि अगर आप कोई भी वारंटी एक्सटेंड कराएं या एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन ले, तो वो सिर्फ HP की ही लीजिएगा, कभी भी किसी भी थर्ड पार्टी की मत लीजिएगा। अगर आप लेंगे तो आपको वारंटी नहीं मिलेगी, और ये मोस्टली आपको HP वर्ल्ड से मिल जाती है। जब भी आप HP वर्ल्ड पे जाएंगे उनसे जरूर पूछिएगा, और ये काफी डिस्काउंटेड रेट पे मिलती है। और विक्टस मॉडल अगर आपको लेना है तो मैं यही कहूंगा, आप अपने एरिया के आसपास के ओमेन प्लेग्राउंड स्टोर पे जरूर चाहिएगा। ये HP ने स्टोर ओपन करे हैं, अधिकतर हर सिटी में 1 या 2 ओपन कर ही रहा है ओमेन प्लेग्राउंड। वहां पे आपको एक एक्स्ट्रा ऑफर भी
मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आगे भी हम नए नए लैपटॉप्स की वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे और कोशिश करेंगे हर लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लैपटॉप के साथ। जय हिंद।